हेलो गाइस, एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल, मैं रहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। और आज आया मैं फिर से जंगल। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू, तो बने रहो ब्लॉग में। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है और आज धूप भी लगी हुई है और ये आज कुछ ऐसा नज़ारा है सामने का। और ये देखो, ये सामने पे जा रही हमारी बकरियाँ। और ये देखो नीचे है भाई पेड़ पे बंदर भाग रहे इधर से उधर। और भाई मेरा गला भी ख़राब है दोस्तों अभी, तो आवाज़ को इग्नोर करना। तो दोस्तों नीचे है सामने चामी गांव, जो कि ये रहा कुछ यहाँ पे चामी गांव। और यहाँ पे है दुबदार और वहाँ हमारी कच्ची सड़क जो कि नई रोड बनी हुई अभी। गाइस बड़ी ही मुश्किल से अभी बच चुके हैं 11 और अब जा रहा हूँ मैं घर की ओर। तो भाई बहुत धूप थी, मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। और चलो फिर चलते हैं सीधा घर, मिलते हैं आपको घर में। तो अभी दिखाता हूँ सामने का नज़ारा। तो ये रहा कुछ सामने का नज़ारा, वो सामने नेल गांव और ये सभी गांव। और ये रास्ता जाता है सीधा घर को, हमारे घर को। तो चलो फिर चलते सीधा घर। और तो दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा है, धूप में मतलब रहा नहीं जा रहा भाई आप मुझसे। तो सीधा घर जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी हो चुके शाम और मैं फिर से आ चुका हूँ बकरियों को लेके। और अभी आया हूँ मैं अपने घर से थोड़ी ऊपर में, और यहाँ पे है एक माता रानी का मंदिर जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अभी मैं फिर से दिखाता हूँ। और ये पीछे हमारी सारी बकरी है वहाँ साइड। और अभी धूप तो मतलब जा चुकी है, और मतलब हम दोनों टाइम लाते हैं अपनी बकरियाँ, एक टाइम सुबह तो उसके बाद धूप लग जाती है, फिर मतलब वो उतना नहीं चर पाती, तो इसलिए हम दे जाते हैं उनको घर। फिर से लाते हैं 3 बजे से और 6 बजे तक। तो मैं फिर से आ चुका हूँ और घर में ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि जाते ही सीधा खाना खा के सो गया था। और धूप भी बहुत थी और अभी मतलब अभी सब ठीक ठाक है, छाव है तो अभी उतनी धूप नहीं है। और सामने साइड धूप है, इस साइड तो नहीं है। तो अभी बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस ये रही हमारी सबसे पुरानी टंकी जिसके कुछ ऐसे हाल हो चुके हैं, बट भाई ये अभी भी बहुत मजबूत हैं। और ये देख सकते हो आप, और ये इतनी मतलब बहुत ही बड़ी टंकी है, मतलब ऊपर से तो इतनी दिख रही है बट बहुत बड़ी टंकी है। तो ये देख सकते हो आप, और यहाँ से अंदर यहाँ से आता है पानी। और ये पेप है बहुत दूर, और वहाँ से सप्लाई होता है पानी सीधा इस टंकी में, और यहाँ से जाता है गांव-गांव। और यहाँ से देख सकते हो सभी जगह का व्यू और सभी जगह का नज़ारा दिख जाता है। और ये अभी नई टंकी बनी है हाल फिलहाल में, क्योंकि इसकी मतलब बहुत पुरानी टंकी हो गई है तो इसलिए वो बनी हुई है, उसमें भी पानी आता है। और ये रहे पेप, इन पेपों से ज़्यादा तीन चारों गांव में पानी। और ये रहा माता रानी का। Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। और तो चलो फिर मिलते हैं कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप एंजॉय करो और जल्दी से 1K की फैमिली कंप्लीट करा दो यार प्लीज़, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, जल्दी ही करा दो। और जाओ फटाक से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को जल्दी से फैला दो एकदम आग की तरह। तो मिलते हैं फिर एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।